नमस्कार दोस्तों, आज हम मोबाइल के माध्यम से कैसे प्रिंट करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आपके प्रिंटर में वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप किस तरह से मोबाइल से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आप एक OTG केबल लाइए। यदि आपके मोबाइल में जो भी कनेक्ट करता है तो पहले आप OTG केबल लाइए और उसको जो चार्ज वाले जो हिस्सा है वहाँ पर अटैच कर दीजिए। देखिए, जो मेरा OTG केबल है वो मोबाइल के माध्यम से हम अटैच कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आपको करना है, आपका जो प्रिंटर का USB केबल है वो USB केबल को बाहर आना होगा। तो बाहर निकल के वो USB वाला जो है वो OTG के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ आपके OTG के साथ अपना जो USB केबल है वो। देखिए, मैंने OTG के साथ USB केबल कनेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। तो ठीक से आप कनेक्ट कर लीजिए। मेरा जो OTG केबल है वो USB के साथ अटैच हो गया है। इसके बाद हमारे मोबाइल में जो सेटिंग ऑप्शन है, तो सेटिंग में जाइए। तो सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाइए। देखिए, एडिशनल सेटिंग है, तो वहाँ पर जो OTG का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए, मेरा OTG जो है ऑन हो गया है। इसके बाद आप प्ले स्टोर पर आ जाइए। ये देखिए मेरा प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर पर आने के बाद वहाँ पर लिखना है, सर्च बार पर लिखना है नोको प्रिंट। तो लिखता हूँ नोको, NOKO। तो सबसे ऊपर जो दिखाई देगा आपको, तो वहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए, सो हो गया नोको प्रिंट। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, इंस्टॉल शुरू हो गया। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो आपको कुछ सेटिंग करना होगा। देखिए, तो सबसे नीचे जो प्रिंटर को सिलेक्ट करना होगा, नीचे क्लिक कीजिए। तो हमें USB पर क्लिक कीजिए। USB क्लिक करने के बाद जो हमारा जो प्रिंटर है, प्रिंटर का नाम आ जाएगा। देखिए, इप्सन L3110 आ गया। इसके बाद हम जिस कॉपी का प्रिंट निकाल लेंगे वहाँ पर आ जाना है। देखिए, हम ये वाला हिस्से को हम प्रिंट करना है, तो सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद इसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद ही प्रिंट शुरू हो जाएगा। तो देखिए, प्रिंट अभी हो रहा है, कुछ सेकंड लग सकता है। देखिए, प्रिंट चालू हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।